हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाए इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जॉब भंडार पर। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी भर्ती 2021 के बारे में। इस भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पर पोस्ट है ग्रुप सी, जिसके लिए 1159 वैकेंसियों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कम से कम 10वीं पास का होना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप भी 10वीं पास हो और ग्रुप सी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा इस पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, सैलरी पैकेज, और जानना होगा आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, ये आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके द्वारा मैं आपको इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। यह भर्ती इंडियन नेवी के अंतर्गत निकली है। पोस्ट है ट्रेड्समैन मैट ग्रुप सी। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडमैन मैट ग्रुप सी पोस्ट के लिए यह भर्ती निकली है। अगर बात की जाए वैकेंसीज की, तो वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हो। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है। एजुकेशन में कम से कम 10वीं पास, साथ ही साथ ITI सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर, जान लेते हैं अपरेज में आपको यहाँ पर कितनी छूट मिलने वाली है। SC ST कैंडिडेट को 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की, PWD UR कैंडिडेट को 10 साल की, PWD OBC कैंडिडेट को 13 साल की, PWD SC ST कैंडिडेट को 15 साल की अपर एज में छूट मिलने वाली है। इसी प्रकार आप यहाँ से देख सकते हो कि किस कैटेगरी को यहाँ पर कितनी छूट मिलने वाली है। अप्लाई करने के लिए SC ST PWBD और EX सर्विसमैन और वोमेन कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जमा नहीं करानी है। ये कैंडिडेट बिना किसी एप्लीकेशन फ़ी के अप्लाई कर सकते हैं। बट ऑल अदर कैंडिडेट को ₹205 एप्लीकेशन फ़ी के रूम में जमा कराने होंगे, जो कि ऑनलाइन मोड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के द्वारा जमा किए जा सकते हैं। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका सिलेक्शन स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन और एग्जामिनेशन के आधार पर होने वाला है। एग्जाम पैटर्न भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग डेट है 22 फरवरी 2021, लास्ट डेट है 7 मार्च 2021। जी हाँ दोस्तों, 22 फरवरी 2021 से 7 मार्च 2021 तक आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड करा रखा है, वो डिटेल भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, ये थी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन का लिंक ओपन करके इस भर्ती के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं डेली बेसिस पर।